आपने अभी देखा है और सुना भी है, एक तो आपके सभी की उपस्थिति में यहां पर दो दिन चलने वाले स्टेट कार्यकारिणी की इस मीटिंग में आपके सभी के सामने आज उद्घाटन हुआ। मैं इस उद्घाटन प्रसंग पर आप सबको शुभकामना देता हूं। सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी और सभी मंच पर बैठे पदाधिकारी, आप लोगों के नेतृत्व में स्टेट में काम जो चल रहा है ये काफी ठीक तरीके से काम करते समय हम इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना की नंबर वन पार्टी बनाने के लिए पार्टी के द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन, दिए हुए प्रोग्राम, इन सभी का इंप्लीमेंट करने के लिए ऐसे हर तीन माह में ऐसा मीटिंग होता है। अब आने वाले फ्यूचर में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र फ्यूचर है देश का, कि जहां पर युवाओं से लेके, महिलाओं से लेके, विलेज से लेके तो सिटी तक, ग्रामीण नागरिक, शहरी नागरिक, स्टूडेंट से लेके हर वर्ग में बीजेपी का अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना के तैयारी के लिए अभी तीन दिन का प्रोग्राम नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह जी का यहाँ आ गया है। ये जो सिस्टम है काम कि हमें जीतना है, जीतना है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ना है, चुनाव जीतने के लिए लड़ना है, ये काम करने की जो पद्धति है राष्ट्रीय स्तर से संगठन में और ये और किसी पार्टी में नहीं है। अभी आपने देखा होगा जो कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक राज किया है, क्या हाल है, बेहाल हो चुके हैं, कोई लीडरशिप नहीं है। ना राहुल गांधी के प्रति लोगों में, कांग्रेस के नेताओं में अट्रैक्शन है, आस्था है, विश्वास है, प्रेम है, कुछ नहीं। सोनिया जी के प्रति भी नहीं है। हम सोनिया जी कहेंगे क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की नेता है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग इतना आदर्श नाम नहीं लेते, ये स्थिति आ गई है।